हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नए वीडियो में। दोस्तों एक बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा है और यहाँ पर देखिए 16 फरवरी 2023 को ये अपडेट हुआ है आपके YT स्टूडियो में कि शॉर्ट्स का जो वॉच टाइम है वो काउंट होगा। अब कई सारे लोगों का इसमें जो है ना बहुत ज्यादा डाउट हो रहा है कि सर पब्लिक वॉच आवर जो होता है वो अलग है और शॉर्ट्स व्यूज से जो वॉच टाइम आएगा, यानी कि शॉर्ट्स व्यूज का जो पब्लिक वॉच आवर है, जैसे मान लीजिए आपकी किसी शॉर्ट्स को शॉर्ट्स फीड में ना देख करके उसे डायरेक्टली ऐसे ब्राउज फीचर से देख लिया गया, उसका वॉच टाइम काउंट होगा, क्योंकि कई सारे लोगों ने बोला कि सर उसका वॉच टाइम काउंट होता है और कई सारे लोगों ने बोला कि सर उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होता है। और आप लोगों का एक डाउट इससे बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है, इस वीडियो को आप ध्यान से आप देख लीजिए। तो जैसे ही आप अपने YT स्टूडियो को क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद में ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ पर अर्न वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, तो अर्न वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ रीच रिक्वायरमेंट्स अप्लाई, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर अब आपको दिखेगा कि वॉच काउंट्स टुवर्ड द रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। यहां पर दो ऑप्शन आपको मिलेगा, एक है कि पब्लिक वॉच आवर्स और दूसरा है कि पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज। इस चीज को ध्यान से आप समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। देखो क्या लिखा है कि इंक्लूड्स वैलिड वॉच आवर्स फ्रॉम पब्लिक वीडियोस, पहला वाला ऊपर वाला ऑप्शन जो है पब्लिक वॉच आवर्स, क्या लिखा है इंक्लूड वैलिड वॉच आवर्स फ्रॉम पब्लिक वीडियोस। अगर आपका लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो बनाते हो भाई, तो उससे जो वॉच आवर्स मिलेगा, यानी कि पब्लिक वॉच आवर्स से जो वॉच टाइम मिलेगा, जो कि रिकमेंडेशन से, सर्च से, ब्राउज फीचर से जो आपको व्यूज मिलेगा, वो वॉच टाइम जो है काउंट होगा, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन शॉर्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड, इसमें शॉर्ट्स इंक्लूडेड नहीं है। एक डाउट क्लियर हो गया होगा, कई सालों का एक कमेंट आ रहा था कि सर ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब दूसरा यहां पर आपको मैं पॉइंट बताने जा रहा हूं कि पब्लिक की शॉर्ट्स व्यूज, अब इसका क्या मतलब होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि अगर आपका वॉच टाइम 4 घंटे का वॉच नहीं कंप्लीट होता है और आप चाहते हो कि शॉर्ट से आपका 10 मिलियन व्यूज से आपका वॉच टाइम, मतलब 10 मिलियन व्यूज से आपका मोनेटाइजेशन हो जाए, तो उस केस में इस चीज को आप ध्यान से समझ लीजिए। पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज इंक्लूड वैलिड व्यूज फ्रॉम पब्लिक शॉर्ट इन शॉर्ट फीड और ऑन द वॉच पेज। यहां पर इस चीज को ध्यान समझने वाली बात है। इसी चीज में कई सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि पब्लिक शॉर्ट्स व्यूज क्या है। देखो भाई, पब्लिक शॉर्ट व्यूज क्या है, इसमें क्लियर तरीके से लिखा है कि इंक्लूड व्यूज फ्रॉम पब्लिक शॉर्ट्स, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपकी वीडियो को शॉर्ट्स फीड से देखा गया है या फिर आपके वेब ब्राउजर से, ब्राउज फीचर से YouTube में शॉर्ट्स फीड से देखा गया है, इन शॉर्ट्स फीड और ऑन द वॉच पेज, दोनों काउंट होगा, चाहे शॉर्ट्स फीड से देखा गया हो चाहे वॉच पेज से देखा गया हो, दोनों काउंट होगा आपके 10 मिलियन व्यूज के लिए, ठीक है। इसमें कई सालों का डाउट था कि सिर्फ शॉर्ट फीड से ही 10 मिलियन व्यूज आएगा तो ही काउंट होगा, नहीं, आपका शॉर्ट फीड से भी 10 मिलियन हो जाएगा तो भी काउंट होगा और आपका वॉच पेज से अगर 10 मिलियन कंप्लीट हो जाता है तो भी आपका दोनों का काउंट होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर क्लियर तरीके से लिखा गया और ये जो है 16 फरवरी 2023 को अपडेट हुआ है। कई सारे लोगों ने इस पे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर ये आखिर है क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। आपका वॉच टाइम 4000 घंटे कंप्लीट करो चाहे लॉन्ग वीडियो से, इसके बाद या तो चाहे 10 मिलियन व्यूज कंप्लीट करो चाहे शॉर्ट फीड से या वॉच पेज से, आपका दोनों का काउंट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, और डाउट क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।